इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ध्यान का अर्थ है होश। तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वह ध्यान है। कर्म क्या है यह प्रश्न नहीं है, किंतु गुणवत्ता जो तुम कर्म में लेकर आते हो वह अहम बात है। चलना ध्यान हो सकता है यदि तुम होशपूर्वक चलो, बैठना ध्यान हो सकता है यदि तुम होशपूर्वक बैठो, पक्षियों की चहचहाट को सुनना ध्यान हो सकता है यदि तुम होशपूर्वक सुन सको, या केवल अपने भीतर मन की आवाजों को सुनना भी ध्यान बन सकता है यदि तुम जागृत और साक्षी रह सको। सारी बात यह है कि तुम सोए सोए मत रहो, फिर जो भी होगा वह ध्यान होगा। तो आइए देखते हैं ध्यान के क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। होश के लिए पहला चरण है अपने शरीर के प्रति पूर्ण होश रखना। धीरे धीरे प्रत्येक भाव भंगिमाओं के प्रति, हर गति के प्रति होश पूर्वक हो जाना, और जैसे ही तुम होश पूर्ण होने लगते हो एक चमत्कार घटित होने लगता है। अनेक बातें जो तुम पहले करते थे सहज ही गिर जाती थी। तुम्हारा शरीर ज्यादा विश्रामपूर्ण, ज्यादा लयबद्ध हो जाता है। शरीर तक में एक गहन शांति फैल जाती है, एक सूक्ष्म संगीत फैल जाता है शरीर में। होश का दूसरा चरण है फिर अपने विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाना शुरू करो। जैसे शरीर के प्रति होश को साधा, वैसे ही अब अपने विचारों के प्रति होश करो। विचार शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है और फलतः ज्यादा कठिन भी है, और जब तुम विचारों के प्रति जागोगे तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भीतर क्या क्या चलता है। यदि तुम किसी भी समय भीतर क्या क्या चलता है उसे लिखकर रख सको तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम भरोसा ही नहीं कर पाओगे कि भीतर यह क्या क्या चलता है। 10 मिनट के बाद इसे तुम पढ़ो और तुम पाओगे कि भीतर एक पागल मन बैठा हुआ है। चूंकि हम होश पूर्ण नहीं होते इसलिए यह सब पागलपन की अंतरधारा बहती रहती है और हमारी ऊर्जा को नष्ट करती रहती है, यह प्रभावित करता है। तुम कुछ करते हो या तुम नहीं भी करते हो, सब कुछ प्रभावित होता है, और इन सब का जोड़ ही तुम्हारा जीवन बनने वाला है। इसलिए इस भीतर के पागल व्यक्ति को बदलना होगा। और होश का चमत्कार यह है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है सिवाय होश पूर्ण होने के। इसे देखने की घटना मात्र ही इसका रूपांतरण कर सकती है। धीरे धीरे यह पागलपन विसर्जित हो जाता है। धीरे धीरे विचार एक लयबद्धता ग्रहण करने लगते हैं, उनकी अराजकता हट जाती है और उनकी एक सुसंगतता प्रकट होने लगती है, और फिर एक ज्यादा गहन शांति उतरती है। फिर जब तुम्हारा शरीर और मन शांतिपूर्ण है तब तुम देखोगे कि वे परस्पर भी लयबद्ध हैं, उनके बीच एक सेतु बन गया है। अब वे विभिन्न दिशाओं में नहीं दौड़ते, अब वे दो घोड़ों पर सवार नहीं होते। पहली बार भीतर एक सुख चैन आया है और यह सुख चैन बहुत सहायक होता है तीसरे तल पर ध्यान साधने में, और वह है अपनी अनुभूतियों और भाव दशाओं के प्रति होशपूर्ण होना। तीसरा चरण पहले से ज्यादा और बारीक है, और यह सूक्ष्मतम तल है और सबसे कठिन भी है। लेकिन यदि तुम विचारों के प्रति होशपूर्ण हुए हो तब यह केवल एक कदम आगे है, कुछ ज्यादा गहन होश, और तुम अपने भावों और अपने अनुभूतियों के प्रति सजग हो जाओगे। एक बार तुम इन तीन आयामों में होश पूर्वक हो जाते हो, फिर ये तीनों जुड़कर एक ही घटना बन जाते हैं। जब ये तीन एक साथ हो जाते हैं और एक साथ क्रियाशील और निनादित हो उठते हैं, तब तुम इनका संगीत अनुभव कर सकते हो। वे तीनों एक सुरताल बन जाते हैं। तब चौथा चरण घटता है जिसका नाम है तुरीय। तुरीय उसे तुम नहीं कर सकते, चौथा अपने आप से होता है। यह समग्र अस्तित्व से आया हुआ उपहार है तुरीय। जो प्रथम तीन चरणों में साध चुका है उनके लिए यह एक पुरस्कार है। तुरीय यानी होश का चरम शिखर। तो तुरीय चौथा चरण होश का चरम शिखर है जो व्यक्ति को जागृत बना देता है। व्यक्ति होश के प्रति जागरूक हो जाता है, यह है चौथा
यानी व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जाग जाता है पूरी तरह से, और इस जागरण में ही अनुभूति होती है कि परमानंद क्या है। शरीर जानता है देह सुख, मन जानता है प्रसन्नता, हृदय जानता है हर्षोल्लास, और चौथा तुरीय जानता है आनंद। तो लक्ष्य है आनंद, संन्यास का लक्ष्य है आनंद, और एक संत का और एक खोजी का आनंद है जागरूकता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जागरूक हो, तुम होशपूर्ण होना भूले नहीं हो कि तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, सचेत हो। और जैसे जैसे देखने वाला दृष्टा सघन और ज्यादा सघन और स्थिर होता और अकंप होने लगता है, तो एक रूपांतरण घटित होता है। वो क्या होता है, यानी दृश्य विसर्जित होने लगते हैं और पहली बार स्वयं दृष्टा ही दृश्य बन जाता है। यानी तुम अपने घर वापस आ गए, जहां से तुम चले थे वहीं पर वापस आ गए। इसका मतलब हुआ तुमने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया, 360 डिग्री घटना घट जाती है। इसको पूर्ते हैं समग्र संबोधि, द कंप्लीट एनलाइटनमेंट। तो दोस्तों ये थे ध्यान यानी होश के चार चरण जो आचार्य रजनीश द्वारा प्रस्तुत किए गए और इंडिया आजकल द्वारा पेश किए गए। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।